गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मेधा वालिया टीचिंग यू द सब्जेक्ट 4E एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टू द मैकेनिकल थर्ड सेम स्टूडेंट्स. सो वी वर डूइंग अर्लियर डूइंग AC फंडामेंटल्स. वी हैव डन द विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AC फंडामेंटल्स. सो आई लेफ्ट द टॉपिक एट पोलर फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, सो इफ देयर इज अ जनरल इक्वेशन E इज इक्वल टू, ये है एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन. सो नाउ आपको इक्वेशन को पढ़ देख के ही क्लियर करना है कि ये कौन सी किस तरह की इक्वेशन है. दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस इक्वेशन वेयर स्मॉल E रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. This is the maximum or the peak value of alternating current, alternating voltage or alternating EMF. Omega t is the angular velocity with respect to multiplied by the time, and plus minus lag or lead. ये कुछ भी एक general equation है, by an angle phi. The phasor difference is phi. सो अगर इस तरह की एक equation को हमें polar coordinates में लिखना है, it requires a magnitude and a phase. ठीक है, so इस तरह के डायग्राम के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है. सो वी ड्रॉ अ रेफरेंस. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पॉइंटिंग अ सेंटर. एक हमने ले लिया ओ. ओ ए इज अ वेक्टर विच इज एट प्लस 5 एंड दिस इज ई एम. अनदर एक और रेफरेंस लिया ओ. और अब मैंने इस ए को इधर बनाया ई एम एंड दिस इज अगेन माइनस ऑफ 5. सो ये जो इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द फेजर डायग्राम वेयर ई एम जो है जब वो पॉजिटिव एंगल शो कर रही है तो वो लीड में है, जब वो नेगेटिव एंगल शो कर रही है तो वो लैग में है. एंड इफ सो इस डायग्राम को देख के व्हाट आई कैन राइट इज दैट ई इसी चीज़ का पोलर फॉर्मेशन कैसे होगा. ई इज इक्वल टू ई एम और माइनस 5 डिग्री. सो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स. ये है एंगल दिखाना. दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन. एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव. सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन और द एंगल. ठीक है, एंड इफ द 5 इज 0, अगर ये 5 0 हुआ, ठीक है, देन ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी. ये नॉर्मल इंस्टेंटेनियस इक्वेशन. और पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी, ई एंगल 0 डिग्री वोल्ट्स. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी जो फेजर डायग्राम है इट विल लाई अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इट हैज नो एंगल, सो 0 डिग्री पे एंगल है. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. इट इज एट द रेफरेंस ओनली. Next, similarly for current, I am sin omega t plus minus 5. How we can write the polar form of it is I angle plus minus 5, where I, capital I is the, हमने last time बोला था कि capital जो value है it denotes the RMS values. So it is the RMS value of current. Now let's take a diagram and we'll study them further. Consider a phasor diagram. ये हमने ले लिया एक x axis और ये हमने ले लिया एक y axis. और यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर है और ये एक a. This is
एक फेजर, एक ये फेजर डायग्राम शो की हुई है, ठीक है, विच इज एट एन एंगल फाइ, और इसको बोला हुआ है ई मैप. सो द पॉइंट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म विद एक्स कोऑर्डिनेट्स. अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये थी पोलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे शो करना है, इट ओ बी. अब ये ओ बी पॉइंट क्या है, ओ बी इज जो इसका इस लाइन पर एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है, इट विल बी ओ ए कॉस ऑफ फाई. सो हम लिख सकते हैं ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉस ऑफ फाई. और एक्स कोऑर्डिनेट ये है एक्स कोऑर्डिनेट, और ओ सी विल बी ओ ए साइन ऑफ फाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट है. सो ई साइन ऑफ फाई विच इज वाई कोऑर्डिनेट. द वाई एक्सिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी है और ये रियल पार्ट है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है. सो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म विल बी ई कॉस ऑफ फाई प्लस ई जे ई, इमेजिनरी के लिए हम जे लगाते हैं, साइन ऑफ फाई. सो ई कॉस ऑफ फाई प्लस जे ई साइन ऑफ फाई इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द फेज, द सेम फेज डायग्राम वी हैव स्टडीड अबाउट, ठीक है. सो दिस वॉज द रिप्रेजेंटेशन फॉर पोलर एंड द रेक्टेंगुलर फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग फेज डायग्राम. सो नाउ स्टडी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फेज डायग्राम, सॉरी वेव फॉर्म्स, जो हमने ए सी फंडामेंटल्स में किए थे. स्टडी में वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये पेपर में एज सच डेफिनेशंस के लिए पूछी जाती हैं. ये मैं आपको डायग्राम के साथ साथ क्लियर करती आऊँगी. ये वेव फॉर्म है फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी हम राइटिंग है ई आई डिवाइड एनीथिंग. दिस इज जीरो, दिस इज पाई एंड दिस इज टू पाई, एंड हियर इट इज पाई बाई टू एज यू आर. सो दिस इज अ साइन वेव फॉर्म जिससे सारी, बिकॉज ऑल द ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई साइन वेव फॉर्म, ठीक है. सो दिस इज एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये भी कवरिंग नेक्स्ट टाइम. सो दिस होल, ये जो पूरी इसको बोलते हैं वेव फॉर्म. So by definition, the shape of the curve obtained by plotting the instantaneous values of alternating quantity. ये कैसे बनी है, alternating quantity की instantaneous values को plot किया, ठीक है. फिर ये negative में जाने लग जाती है जब आप आगे के instants पे जाते हो, क्योंकि angle decrease, ये angle further rise कर रहा है, ठीक है, और ये decrease पे चली जाती है, फिर negative maximum. So this is a waveform which for any alternating quantity along y-axis and taken for time or angle theta at omega t along x-axis is called the waveform or the wave shape. Then the instantaneous value, the value of any alternating quantity e or I at any instant is called, ye hai instantaneous equation. At any instant is instantaneous equation. It is represented by small e or smaller e, small letters se represent ki jati hai. Then there is cycle. When an alternating quantity goes through a complete set of positive and negative half, okay, set of positive values and negative values, and goes through 360 electrical degrees, it is said to have completed one cycle from 0 to 360 electrical degrees. It have completed one cycle. So this is one cycle I have represented over here.
देन ऑल्टरनेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑल्टरनेशन पता होना बहुत वन हाफ साइकिल, इट कैन बी एन ऑल्टरनेशन, ये भी एक ऑल्टरनेशन है, अ पॉजिटिव ऑल्टरनेशन और अ नेगेटिव ऑल्टरनेशन. वन हाफ साइकिल इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन एंड ऑल्टरनेशन स्पैन्स 180 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज. ये है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज होता है ऑल्टरनेशन का जो स्पैन है. सो हाफ ऑफ अ साइकिल इज एन ऑल्टरनेशन. देन इट इज देन देयर इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड द टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू कम्प्लीट वन साइकिल. एक साइकिल को कम्प्लीट करने में जितना टाइम ज़्यादा है इट इज टाइम पीरियड. बाई एन ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी. कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. देन देयर इज फ्रीक्वेंसी, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड बाई एन ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी 1/T. इट इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड और CPS और हर्ट्स HZ. ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम. इट इज डिनोटेड बाय F. देन देयर इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही आती है. सो इट इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड. सो द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव अटेन्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी इन वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ एन और करंट इज जनरली डिनोटेड बाई EM और IM. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और द एम्पलीट्यूड. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ये याद करना जरूरी है, इनको समझना है, इनको करना जरूरी है. नेक्स्ट वी विल स्टडी वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. हमने पीक वैल्यू पढ़ लिया है, मैक्सिमम वैल्यू पढ़ लिया, ठीक है, हमने RMS पढ़ लिया था. सो व्हाट वी हैव लेफ्ट ऑफ विद देयर डेरिवेशंस, किस तरह से ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटीज की एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. सो विल स्टडी दिस इन आर नेक्स्ट लेक्चर. Thank you, students.